Idol has a new winner, and of course he is deserving because ever since he started off, he's been a favorite of the audience, judges, celebrity guests. Please welcome Sunny Hindustani. Welcome to Anas and congratulations. पहले तो मैं जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने वोट किए हैं, उन्होंने इतना टाइम निकाल कर और मुझे वोट किए हैं, थैंक यू सो मच. उन्हीं की वजह से मैं विनर बन पाया हूँ और मेरे विनर बनने की वजह वही है और जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, जिन्होंने इतनी वोटिंग की है, थैंक यू सो मच, लव यू. राइट, तो आपका सफ़र पंजाब से शुरू होता है बठिंडा में और मुंबई तक, रास्ता इतना स्मूथ नहीं था, मतलब बहुत सारी दिक्कतें थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए क्या क्या मैं मम्मी से फ़िलहाल लड़कर आया था. पहले मुझे यार दोस्त ने बताया कि ऑडिशन हो रहे इंडियन आइडल के, तो वो कहते थे कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते, क्यों ना तुम कहीं ट्राई करो. तो उन्होंने मुझे कहा कि इस डेट को ऑडिशन हो रहे हैं, तो तुम एक बार ट्राई कर लो, तुम अच्छा गाते हो. तो मैंने सोच लिया ऐसे ही कि हाँ यार एक बार देख लेता हूँ, आजमा के. तो मम्मी से मैं, क्योंकि घर के थोड़े हालात हमारे ठीक नहीं थे, पापा, मैं बहुत छोटी उम्र से 12 साल का था उस टाइम से, पापा की डेथ हो गई थी, तो सारा प्रेशर, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी घर की. तो घर की कंडीशन बहुत डाउन थी, घर में पैसे भी नहीं थे. मैंने बोला कि मम्मी मैं जा रहा हूँ. मम्मी लड़ रही थी कि नहीं तुम क्यों जा रहे हो, पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम इसके लिए बहुत सपोर्ट चाहिए, पैसे चाहिए, तो जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम रहने दो. मतलब फिर भी मैं बहसबाजी करके मम्मी से बोला कि मैं जा रहा हूँ, आपसे पैसे नहीं ले रहा, मैं किसी से उधार पैसे ले रहा हूँ. तो किसी से उधार पैसे लिए और मैं यहाँ ऑडिशन देने आया, और ऑडिशन में आते ही मुझे गोल्डन माइक मिला, फिर थिएटर राउंड उसमें भी गोल्डन माइक मिला, तो उससे थोड़ी उम्मीद पैदा हो गई कि हाँ मैं आगे का भी सफ़र तय कर पाऊँगा. तो आप कितने पैसे लेकर आए थे बॉम्बे? मैंने किसी से 3,000 रुपये उधार लिए थे, अच्छा, क्योंकि बस मुझे ये था कि मैं ऑडिशन दूंगा और आ जाऊंगा. अच्छा, तो फिर आपको क्या पहले से ये था कि बॉलीवुड में गाना गाना है, प्लेबैक सिंगिंग करनी है? जी, मैं सोचता था कि हाँ कोई टाइम आएगा कि मेरे मूवी में गाने आएंगे, सिर्फ सोचता था. मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पूरा जोर लगाता था, कि मेरे ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो बस मैं, मेरे यार दोस्त ने बताया और मैं आ गया, और मेरी कोई तैयारी नहीं थी इसमें आने की. जो भी तैयारी की मैंने आइडल में, आइडल के चलते हुए तैयारी मैंने की, कोई मैंने अलग से तैयारी नहीं की थी, कोई ऐसे कुछ मेहनत नहीं की थी खास इतनी. जो भी गिने चुने गाने थे वो ही लेकर आ गया था, और पता नहीं कैसे भगवान ने सुन लिया. और राइट, ओके, तो उसके बारे में आपने क्या किया जब आपको पता चला कि ठीक है आप इंडियन आइडल 11 सीजन के विनर हो, तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया? पार्टी किया या देखिए आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसका मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो खुशी, और मतलब नहीं बता सकता, उसके लिए वर्ड नहीं है, क्या बोलूँ. वो खुशी एक अलग ही खुशी है, वो एक एहसास है, वो बस बता ही नहीं सकता, वो उसके लिए वर्ड ही नहीं है. और 25 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, तो आप उसका कैसे इस्तेमाल करने वाले हो? एक मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी भी करनी है, उसके लिए भी बचा के रखने हैं पैसे, और मेरी माँ को, जो मेरी माँ ने बहुत बुरी लाइफ जी है, उनको एक ऐसी लाइफ दिखानी है जिनको देखकर वो, मतलब जो उन्होंने सोचा भी ना हो, ऐसी चीज़ें खिलाऊंगा उनको, इतने अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, जगह जगह उनको घुमाऊंगा, अच्छी अच्छी जगह, और बस मेरी माँ को ऐश करवाना चाहता हूँ, जो उन्होंने कभी, बहुत से उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, उनको अब ज़िंदगी जीना सिखाऊंगा, उनको हर वो ऐश कराऊंगा जो वो उन्होंने सोची भी ना हो, और बाकी मेरे म्यूज़िक करियर में थोड़ा सा मैं देखूँगा उसमें. तो फिर आप बॉम्बे शिफ्ट करने वाले हो या फिर पंजाब से ही काम करोगे? जी नहीं, मैं मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ. अच्छा, कब? अभी फाइनलाइज हो गया आपका? हो गया. अच्छा, तो आइडल जीतने से पहले ही आपको बॉलीवुड से ऑफर आने लग गए, आपने पंगा में भी गाना गाया शंकर जी ने. और क्या क्या बॉलीवुड ऑफर्स? टी सीरीज दो मूवी, हाँ जी, दो मूवी में आया, और टी सीरीज कंपनी से मेरा गाना एक आ ही चुका है, जो कि रोम रोम गाना, जिसमें इमरान हाशमी और ऋषि कपूर जी की मूवी थी, द बॉडी. और चलते शो में ही उस मालिक का करम हुआ कि चलते शो में मैंने गाना गाया, इतना, इतनी बड़ी मूवी और इतने बड़े लोगों के लिए प्ले बैक किया.
तो वो खुशी लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता मैं, और वो बहुत बड़ी खुशी है। और ये सारा क्रेडिट बस उन लोगों को जाता है जिन्होंने मेरे लिए सच्ची सच्चे दिल से दुआएं की और सच्चे दिल से वोटिंग की, और उन्हीं उन्हीं की दुआओं का सदका है। और आपके सामने तो और कौन कौन से कंपोजर्स के साथ अभी तक आपने काम किया या फिर अभी ऑफर आया है? ऑफर ऑफर मुझे चलते शो में एक हिमेश सर ने भी मुझे बोला था गाना गाने के लिए, वो अभी गवाएंगे, उन्होंने एक ऑफर दी थी। तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड में बहुत सारे रिक्रिएशन हो रहे, पुराने गाने को नए तौर में बना के गाया जा रहा है। तो अगर नुसरत जी का कोई गाना ऐसा हो जो आप कोई मूवी में बनाना चाहते हो अपने स्टाइल में, तो कौन सा गाना होगा वो? बहुत से अभी तो फेमस गाने जो उनके थे वो तो आ चुके हैं, जैसे मेरे रश्के कमर, दिल लगी, सानू एक पल चैन ना आवे, वो तो नित बहुत खैर सारे वर्जन्स मंगा हैं क्योंकि लेकिन बॉलीवुड आपको में भी कौन सा आया। करना पसंद होगा? बहुत सारे गाने, उनका एक गाना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो पहले तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा गाना क्योंकि उनके गाने बहुत वो होते हैं, भगवान की तार को जैसे। जो बॉलीवुड का म्यूज़िक है जो फिल्म में चाहिए होता है वो एक अलग सिंपल चीज़ होती है बिल्कुल, उनके बहुत वो ताने मुर्कियाँ ऐसा होता है, तो उसको देखकर, फिल्म की सिचुएशन देखकर, तो गाने की सिचुएशन देखकर फिर वो चुनूंगा गाना मैं। कुछ लाइंस आप हमारे व्यूअर्स के लिए गाएंगे? ज़रूर ज़रूर, मैंने नुसरत साहब का ही गाना गाना चाहूँगा क्योंकि वो उस गाने से आपने बहुत प्यार दिया, ऑडिशन टाइम पे मैंने गाया था, और वो ही गाना गाना चाहूँगा क्योंकि उसी से मेरी लाइफ का जो बदली जो एक पहली सीडी मैंने चढ़ी थी। है। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन।